क्या हाल है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर वन। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप सब क्लास एट्थ तक की जर्नी को बहुत अच्छे से कवर कर पाए हो। लेकिन मैं आप सबको एक बात वॉर्न करना चाहता हूँ कि भाई ये नौवीं क्लास है, ठीक है? अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैटर ना अब तुम आ गए हो, बोलते ना वो बैटल ग्राउंड में तुम आ चुके हो, ठीक है? अब इधर से भी गोली और उधर से भी गोली चलेगी। अगर अब तुम नहीं पढ़े ना तो आगे का तुम खुद सोच लो, बस मैं इतने कहूंगा। ये तुम बोलोगे सर कितने खराब हो आप, ये वो है, तो मैं छोड़ो आगे पढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, पहले ये समझो। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी बुक में तीन पार्ट में डिवाइड होगी हमारी एक ही बुक, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, ठीक है? तो हम केमिस्ट्री का चैप्टर वन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और चैप्टर जो मैं चार पार्ट में बनाने वाला हूँ, ये पार्ट वन है जो कि इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर होगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, फिर पढ़ेंगे इवापोरेशन। आप लोग बचपन की क्लास में ही पढ़ के आए हो और मेरे को उम्मीद है कि आपको याद होगा और ढंग से पढ़ के आए होगे। आप में से कुछ तो होंगे, कुछ होंगे जो ढंग से पढ़ के आओगे। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं चालू करता हूँ, ठीक है? अब मैं तुम लोगों को एक बात और बोलना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले। अब क्लास नाइन तक की जर्नी आप अच्छे से कवर करें, चाहे आप यहाँ पढ़े, आप कोचिंग पढ़े, दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े, कहीं भी पढ़े, बस अच्छे से पढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। देखो मैं कोई सेल्फिश बंदा नहीं हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ भाई आप जहाँ से पढ़ो बस आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड लाओ, बाकी आपकी फैमिली और सब खुश रहे, ठीक है? तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन टाइप के स्टेट्स पढ़ने, सॉलिड लिक्विड गैस, पांच चार टाइप, पांच टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोज आइंस्टीन कंसंट्रेट कंडेंसेट। तो वो दो पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा क्या होता है कैसे क्या है। फिर कैन मैटर चेंज स्टेट्स, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है? फिर गैस से सॉलिड, ठीक है? फिर सॉलिड से सीधे गैस, ये भी हो सकता है। फिर पढ़ेंगे इवापोरेशन, जिसमें लिक्विड वेपराइज हो जाता है। और टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, ठीक है? तो मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, चलो। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि देखो सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने बोला है कि जो मैटर होता है, मैटर मतलब पदार्थ नाम दिया उन्होंने, उन्होंने बोला जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से बना होता है, पांच तत्वों से बना होता है। कौन कौन से होते हैं? उन्होंने बोला एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो इन पांच चीजों से मिलकर बना है, एयर, वाटर, फायर, स्काई और अर्थ, ठीक है? इन पांच चीजों से मिलकर बना है। फिर ग्रीक फिलोसोफर आए बहुत सारे, उन्होंने उनमें से किसी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा तुम अपने मन में भ्रम मत पालो। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने नई डेफिनेशन दी मैटर की, उन्होंने बोला एनीथिंग, कोई भी चीज जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसका कुछ मास हो उसी को हम मैटर बोलते हैं। मैटर मतलब क्या होता है? एनीथिंग जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके अंदर कुछ मास हो। मास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज नोन एज मास, ठीक है? कोई भी चीज जिसका जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका कुछ मास हो तो उसको हम मैटर बोलेंगे, ठीक है? समझ गए? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। अब देखो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो हमें मॉलिकुलर लेवल पे हमें पढ़ना है आगे, उससे पहले हम फिजिकल ओवरव्यू तो देख लेंगे आखिर दिखता कैसा है। अब यही बात होगी ना, इंसान का हम दिल नहीं देख रहे, ऊपर से देख रहे, कपड़े से जज कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। कैसे सर? सवाल उठ रहा होगा, क्या सर क्या बात कर रहे हो आप, छोटी बेकार बात कर रहे हो आप। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब ऐसे चलो, अब आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। मान लो क्या 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 मनवाओ, देखो तुमने एक गिलास लिया, तुम शरबत बना रहे हो मस्त एकदम, शरबत बना रहे हो चीनी में डाल के नींबू में डाल के, ठीक है? मस्त एकदम टेस्टी। तो अब तुम ऐसे समझो ना कि जो तुमने चीनी डाला, ये देखो हमारा गिलास हो गया, यहाँ बना लो तुम, ये देखो ये हो गया गिलास, इतना पानी था, ठीक है? तुमने दो चम्मच चीनी डाला लेकिन फिर भी पानी का लेवल उतना ही रहा, ऐसा क्यों हुआ? कौन सा काला जादू हो गया भाई इसमें? बेटा इसमें कोई जादू वादू नहीं हुआ। अब देखो जो वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, ठीक है? उसके अंदर जो अपनी चीनी है उनके पार्टिकल जाके बैठ गया, बस कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? अब एक और हम तुम्हारी बुक में एक्टिविटी दे रखा है, उसमें क्या है, उन्होंने किया क्या है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर दो या तीन क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के डाला है,
पोटेशियम पर मैग्नेट के डालते ही जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया? पर्पल, पर्पल हो गया। ओ भाई जादू हो गया। अब जादू देखो आगे कैसे जादू होगा। अब यहां से तुमने क्या किया, 10 मिलीलीटर ऑफ ये वाला सॉल्यूशन था उसका 10 मिलीलीटर निकाला, फिर दूसरे 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर में ऐड किया। तुम देखोगे यार इसी का कलर आ रहा है। फिर ये ऐसी प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अब तुम इसमें से 10 मिलीलीटर निकालोगे, फिर इसमें डालोगे, तब देखोगे यार कलर तो फिर भी हुआ। मतलब सोच रहे हो ना 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना ज्यादा कमाल कर दिया, ऐसा समझ रहे हो? देखो यहाँ पे पहले कलर कैसा था, सॉल्यूशन का कलर कैसे निकल के आया, पर्पल, जादू, जादू देखो भाव भैया। अभी आगे लास्ट में जाओगे सबसे एंड में लाइट पिंक कलर निकलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कलर कैसे कलर चेंज हो गया, नहीं बेटे फेड होते हुए जाएगा ना, कम होते जाएगा। अब पार्टिकल्स है, पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके तो उसका फेडनेस तो उसके अंदर आएगी ना कहीं पे, तो एक टाइम पे आया जब इसका कलर लाइट पिंक हो गया, ठीक है। लेकिन ये समझो ना कि सिर्फ 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर दिया, इससे हमें पता चल गया कि जो नेचर है फिजिकल मैटर का उसका कैसा है। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसी को फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को आगे और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, पपलू मत कर देना, मेरे पता है मेरे को जिन्होंने लिया है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया है। अब आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को, चलो। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैटर के क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होती है खासियत, मैटर क्या है, मैटर की खासियत क्या। अब मैं हूँ, मेरी एक खासियत होगी, वो सिर्फ जो मेरे को जानते हैं वो जानते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आप भी जान जाओगे। अब आप हो, आपकी खासियत कोई आपका बेबी सोना जो भी तुम लोग बोलते हो वो जानती होंगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैटर का, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अभी हमने उसका एग्जांपल भी देखा कैसे पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला, फिर ये प्रोसेस किया हमने, देखा लास्ट में भी कलर आ रहा है भाई साहब। ये तो आगे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसमें हमने चीनी वाला एग्जाम्पल देखा। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत 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 छोटे होते हैं, उसके अंदर हमने चीनी घोल दिया, घुल गई भाई, क्या दिक्कत है इनमें। आगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये भी उसमें भी इसमें भी सेम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, फिर से शरबत बनाया क्या, चलो शरबत बना लेते हैं फिर से। तो हमने क्या किया कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मस्त नींबू वींबू डाला एकदम, फिर चीनी डाला, भाई सब घुल गया। मतलब दिख तो नहीं रहा कि चीनी वीनी डाला है, लेकिन एकदम टेस्ट करने पर सर कुछ तो आ रहा, मतलब कुछ तगड़ा सा ही आ रहा है, मस्त, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्या सर क्या बात कर दिए, ऐसे कुछ थोड़ी होता है, अगर बेटे ऐसा नहीं है। अब धूप बत्ती देखिए, धूप बत्ती, अरे जो भगवान जी को लगाते हो या फिर वो अगरबत्ती, ठीक है। तो तुम एक काम करो कि एक कोने में अगरबत्ती रख दो बिना जलाई हुई, और एक जगह पे रख दो जलाई हुई, ठीक है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे डिफ्यूजन समझो, डिफ्यूजन क्या हुआ, अब जहाँ पे नहीं आ रही थी ना खुशबू, वहाँ पे भी उसकी खुशबू आ जाती है जब उसको जलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है कि देखो पहले वहाँ पे कंसंट्रेशन, जहाँ पे धूप बत्ती जल रही थी वहाँ पे धूप बत्ती का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, मतलब वहाँ पे धूप बत्ती जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में थी, तो वहाँ से हायर रीजन हो गया, हायर रीजन से लोअर रीजन तक जब आया उसके उसकी स्मेल, उसी को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में अभी पढ़ाऊंगा अच्छे से, इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसका मैंने एग्जांपल बता दिया, मैटर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यही बता दिया, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर छोटे, मतलब पार्टिकल जो मैटर के होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है, हमने सर्वर बना के देखा अभी, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। हमने अभी देखो अगरबत्ती जलाई, ठीक है। अब थोड़ा डिफ्यूजन देख लेते हैं कि अगरबत्ती वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते क्या है कैसे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जल्दी ले ली, चलो। अब बेटा देखो, अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन अगर तुम हिंदी में समझ गए ना बेटा, अगर हिंदी में, तो बेटा हिंदी में समझने के बाद जो डेफिनेशन है उस आनंद आ जाता है बेटा, बहुत आनंद। देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, चाहे वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो, गैस हो गया, उसके हाई रीजन पे जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और वहाँ से लेकर लोअर रीजन जहाँ पे कि उसकी मात्रा बहुत कम है उसी को क्या बोलते हैं, उसी और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है मतलब हर जगह बराबर रूप से फैलता है, उसे क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस मूव करते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर रीजन तक यूनिफॉर्मली, उसी को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैसे बढ़ जाता है, जब उसके अंदर में टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जल्दी जल्दी स्प्रेड होगा, तो डिफ्यूजन का रेट, डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आते हैं बेटा याद रखना, मैं समझा देता हूँ तुम लोग खुद लिखना। अब देखो मम्मी सब्जी बना रही, बहुत मतलब मटर पनीर, मटर पनीर कोई दिक्कत, मटर पनीर बढ़िया लगता है सबको, चलो तो मम्मी जो है वो मटर पनीर बना रही, मटर पनीर बना रही किचन के अंदर, हम आराम से बैठ के तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है, थोड़ा अपना प्रमोशन होना चाहिए बेटा, देखो सब लोग कर रहे हैं मैं भी। ठीक है, तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो एकदम आराम से, बहुत मज़ा आ रहा है, तो अभी खुशबू आती नाक एकदम, ओए होए मज़े आ गया, तो तुम जाते हो किचन में भग के दौड़ दौड़ के, मम्मी क्या बन रहा, मम्मी बोले मटर पनीर, ओ भाई साहब तुम्हारी खुशी का लेवल और तेरी, फिर तुम बोलो मम्मी वाह क्या बात है, फिर मम्मी को तुम प्यार करोगे, मम्मी आई लव यू ये वो पता, फिर मम्मी गले लोगे, फिर जब तुम खा लोगे फिर तुम भाई नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, तो अब एग्जांपल क्या है कि जब तुम किचन से जो स्मेल आया, किचन में जो स्मेल था मटर पनीर का, वो क्या था हायर रीजन था, वहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा था बहुत ज़्यादा, वहाँ से लेकर लोअर रीजन जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वो क्या है लोअर रीजन, वहाँ तक जो रेट, वहां तक जो स्मेल है वो पहुंची, उसको क्या बोलेंगे डिफ्यूजन। यूनिफॉर्मली पहुंची ना, अब तुम्हारे रूम तक, तुम्हारे रूम से लेके हायर कंसंट्रेशन के बीच में हर जगह मटर पनीर की खुशबू आएगी आएगी। चलो धूप बत्ती वाले एग्जाम पर ही समझ लो, तुमने एक कोने में धूप बत्ती चलाई, दूसरे कोने में आप खड़े हो, यहाँ तक धूप बत्ती की स्मेल आ रही है, तो क्या सिर्फ वहां से लेके यहाँ तक आ रही है, बाकी बाकी जो कमरे में वहां भी तो आएगी ना जहां तक, क्योंकि आप कोने में खड़े हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रेड होता है, उसी को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली कॉल्ड डिफ्यूजन। सब्सटेंसेस का वो प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस मूव होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, उसी को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। और वो किस रेट में होता है, यूनिफॉर्मली होता है। डिफ्यूजन का रेट कब बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जब मम्मी खाना बनाती है, जैसे अब ठंडा खाना होता है, ठंडा खाना होता है घर में कोई स्मेल आती है, पता नहीं चलता यार सब्जी कितने मसाले कितने क्या है, जब उस खाने को गर्म कर ले तो चिकन, चिकन जो लोग नॉन वेज है उनके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मिटाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब आ गया हमारे पास ब्राउन इन मोशन। ब्राउन इन मोशन क्या होता है, पहले नाम सोचो, नाम सोचोगे यार सर क्या दिक्कत है इसमें, नाम नाम में गड़बड़ है कुछ। ठीक है, नाम में गड़बड़ नहीं है बेटा, ये नाम दिया गया है जिन्होंने जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिन्होंने इस फ्लक्चुएशन को पहली बार देखा था, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। बेटा ब्राउन की स्पेलिंग गायब कर दिया हमने, और कुछ ही है इससे बड़ा मतलब कुछ देखा, ये नाम गायब। ठीक है, तो नेम स्कॉटिश बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले देखा था ब्राउनियन मोशन को, मतलब इस मोशन को पहली बार देखा था। अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है सर, क्या है थोड़ा समझाओ तो सही यार, तुम बोल ही जा रहे हो बस कब से। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब तुम देखोगे कि तुम जब लाइट जलाते हो, तुम अंधेरा कर दो कमरे में, ठीक है, तो तुम देखोगे जब लाइट जलाओगे ना, मतलब टॉर्च वाली बीम, एक बीम ले लो, बीम तुमने मारा, तुम देखोगे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो अपने से फास्ट मूविंग पार्टिकल से टकराते हैं, तभी ऐसा मोशन करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडिंग इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। किन्होंने इसकी खोज की थी,
रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने पहली बार इसकी खोज की थी। अब तुम्हें बेटा एक काम करना है कि बोटेनिस्ट कौन होते हैं खुद पता करना है। सब कुछ अगर मैं पका के दे दूंगा तो बेटा कोई नहीं पढ़ेगा, सबको पता है, तो हम पता करो बोटेनिस्ट होते कौन है, ठीक है? बहुत बच्चों को पता होगा ऐसे। तो अपा सर क्या ब्राउनियन मोशन क्या होता है? अब हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स, मतलब कुछ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहले मैं समझा देता हूँ खुद से अपनी भाषा में, उसके बाद मैं लिख के दिखा दूंगा क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी मैं बोलना सर लिखा क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझो बस। अब देखो सॉलिड होता है, हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो सॉलिड जो होता है ना, अब इनका डायग्राम भी थोड़ा बनाया तो कैसे दिखते हैं अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो। देखो छोड़ो, देखो 2, 3, 4, 5, देखो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं, जैसे कि जब तुम छोटी अपनी छोटी पैंट पहनते हो क्या टाइट हो जाती है एकदम, वैसे ही ये होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड के होते हैं वो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं, ठीक है? मतलब समझो कि तुम्हारी फिटिंग वाली पैंट है, समझो कि पैंट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचो कितना गया गुजरा हूँ मैं। अब गैस आ गई, गैस में जो पार्टिकल्स है वो पता नहीं इधर इतर पितर हो रहे हैं, तुमने पापा की पैंट पहननी यहाँ पे, ठीक है? ऐसा समझो। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तभी तो चिपके हुए। अब देखो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तुम्हारी पैंट और तुम्हारे पैरों का प्यार बहुत ज्यादा एकदम टाइट है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा फिटिंग वाला है, मतलब ठीक है, तुम भी अपना अपना बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही गया गुजरा है, मतलब एकदम दूर ही दूर है, समझ गए? तो ये समझ गए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैं लिख के समझाया तो क्या होता है, ठीक है? चलो मैं इरेज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। आगे हम इस पार्ट के, पार्ट वन चैप्टर नाइन, चैप्टर क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन मैटर इनर सराउंडिंग के इंट्रोडक्शन का एंड होने वाला है पार्ट वन का। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर में देखो डायग्राम हो गया, सॉलिड कैसे एक दूसरे से कैसे अट्रैक्टेड होता है, पूरे चिपके चिपके होते हैं, मतलब कि अगर तुम सॉलिड है, तुम कील ले लो, कील, ठीक है? तुम कील तोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगा, नहीं टूटेगा? अगर मैं इस मार्कर को तोड़ने की कोशिश करूंगा इसमें बहुत पावर लेगी, टूट जाएगा यार, इतना बजट नहीं है वैसे भी, तो टूट जाएगा। पर फिर भी देखो ना, अगर मैं इसकी जगह लकड़ी ले लेता हूँ टूटता, अगर लगाता जोर ले भैया टूट ही नहीं रहे तो, ठीक है? तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही तगड़ी बॉन्डिंग बनी होती है, इन सब में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास लिक्विड, लिक्विड मतलब हो गया पानी, पानी में थोड़े स्पेसिस होते हैं, इसी वजह से चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, नींबू घुल जाता है, जो भी चीज़ घुलना चाहते हो घुल जाता है। उसके बाद आ गया गैस, गैस तो भैया ख़त्म ही है, बिल्कुल है ही नहीं उसके अंदर, मतलब ये सबसे ही कम होता है, लेस देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसका डायग्राम बना लेना, ये लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे हो गया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर और इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म। बेटा देखो तुम लोग नाइन्थ क्लास में आ गए हो और चैप्टर बहुत ही प्यार से समझा रहे हो, जिसकी वजह से समझ आए। अब तुम्हें एक काम करने हैं, जब ये चैप्टर खत्म करा दूंगा तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के करने हैं बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बस एक सब्सक्राइब, और ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, मतलब कर देना यार, क्या दिक्कत है, फ्री की है, ऐसी कर दो, ऐसी बैड पैड, लेकिन नाइन्थ क्लास में ही करना, ठीक है? बाकी एक सब्सक्राइब, एक लाइक, तुम्हें बढ़िया लगे तो एक कमेंट करके बताना है कि ये पार्ट क्या लगा और सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा जो मैंने पढ़ाया इन सब में, ठीक है? चलो पार्ट दूसरे पार्ट में मिलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, तब तक के लिए जय हिंद।